की चैती हनीप्रीत की पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि अभी तक की पूछताछ में पुलिस से बहुत कुछ ठोस नहीं निकलवा पाई। पुलिस अब हनीप्रीत को लेकर दोबारा पंचकुला कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि कल दोपहर बाद हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पुलिस कल कोर्ट में हनीप्रीत का रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। पुलिस इस केस से जुड़े सबूत जुटाने का तर्क दे रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि अभी हनीप्रीत के मोबाइल की बरामदगी पंजाब के तरन तारण के पास एक गाँव से की जानी है। इसके अलावा हनीप्रीत की निशानदेही पर दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी करनी है। दरअसल पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने जांच में अब तक पूरा सहयोग नहीं किया है और इसलिए पुलिस कह सकती है कि लगातार बयान बदलने वाली हनीप्रीत से अभी और पूछताछ की जरूरत है। पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि पंचकुला हिंसा की साजिश में हनीप्रीत शामिल थी, लेकिन उससे वो तमाम राज उगलवाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। हम आपको बताते हैं हनीप्रीत के रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने क्या कुछ किया। पहले दिन पुलिस ने हनीप्रीत से पंचकुला के सेक्टर 23 थाने में पूछताछ की। दूसरे दिन पुलिस हनीप्रीत को बठिंडा लेकर पहुंची, जहां वो फरारी के दौरान छिपी थी। तीसरे दिन हनीप्रीत पूरे दिन पंचकुला के पुलिस स्टेशन में रही, वहीं से उससे पूछताछ की गई। चौथे दिन पुलिस ने मीडिया से छिपाकर हनीप्रीत को थाने से बाहर निकाला और दिन भर उसे तमाम लोकेशन में घुमाती रही। पांचवें दिन हनीप्रीत और उसके ड्राइवर राकेश अरोड़ा को पुलिस ने आमने सामने बिठाया और दोनों से पूछताछ की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हनीप्रीत की पूछताछ में क्या निकला, इस पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है। राम रहीम के चहेती हनीप्रीत की 6 दिन की रिमांड खत्म होने वाली है। पुलिस अब उसे कल कोर्ट में पेश करेगी। इस बीच हनीप्रीत की नई तस्वीर सामने आई है। ये हनीप्रीत की सबसे नई तस्वीर है, जिसमें वो पंचकुला के चंडी मंदिर थाने में पुलिस कस्टडी में नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हनीप्रीत लॉकअप के अंदर कंबल ओढ़कर सो रही है। इससे पहले हनीप्रीत की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। पहली और दूसरी तस्वीर एक ही दिन की है, जिसमें हनीप्रीत लॉकअप में अकेली बैठी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में उसके साथ कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, ये भी पंचकुला की ही तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर में हनीप्रीत अपने सेल में सोती हुई नजर आ रही है।